ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني हर किस्म की किबरियाई बड़ाई बुजुर्गी अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए कि जिस खालिक कायनात ने हम सबकी तखलीक फरमाई और हमारी कामयाबी व कामरानी के लिए बेशुमार अंबिया इकराम मबूस फरमाए, बादहु बेबहा बेशुमार दरुद व सलाम हो नबिया इकराम पर, खुसूसन नबिया उज़्ज़मा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात अक़दस पर। हाज़रीन जुमा, आज की इस तरक्की याफ्ता दौर में हम कामयाबी, असबाब कामयाबी और कामयाब होने वालों का जिक्र करते हैं कि फला आदमी फला शोबे में बहुत ज़्यादा कामयाब हो गया, फला आदमी तिजारत में कामयाब है, फला आदमी के पास बहुत ही ज़्यादा बैंक बैलेंस है, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें उसके पास हैं, ऊंची ऊंची इमारतें उसके पास हैं। अक्सर व बेशतर हम अपनी मजलिसों में यही जिक्र करते हैं और हम इसी को कामयाबी भी तसव्वुर करते हैं कि कोई शख्स, कोई इंसान, कोई आदमी अगर दुनियावी जिंदगी में कामयाब हो गया तो हम असल कामयाबी उसी को समझते हैं कि यही असल कामयाबी है कि हमारे पास बैंक बैलेंस हो, ऊंची ऊंची बिल्डिंग हो, ऊंची ऊंची इमारत हो और ऐसी इमारत हो कि मोहल्ले में, शहर में वैसी इमारत और कोई ना हो, ताकि लोग अपनी महफिलों में, अपनी मजलिसों में मेरा जिक्र करें, मेरा तस्किरा करें कि फला आदमी बहुत ज्यादा कामयाब हो गया। मेरे भाइयों, जरा इंसाफ के साथ बताइएगा, क्या यही असल कामयाबी है कि हम दुनिया में कामयाब हो गए, दुनिया में हमारे पास
माल और दौलत का समंदर है, मुझ जैसा कोई इंसान नहीं, क्या यही असल कामयाबी है? नहीं, ये हमारी भूल है, ये हमारी खामख्याली है। असल में कामयाब इंसान वो है जो अल्लाह की नजरों में कामयाब हो जाए। अब एक सवाल यहां पर पैदा होता है कि अल्लाह की नजरों में एक इंसान कामयाब कब हो सकता है? आइए सूरतुल मोमिनीन की चंद आयात की तिलावत करते हैं। अल्लाह फरमाते कद अफलहल मोमिनून, यकीनन ईमान वालों ने कामयाबी हासिल कर ली, ईमान वाले कामयाब हो गए। कौन कामयाब हो गया? अल्लाह फरमाते अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, जो अपनी नमाजें खुशु के साथ अदा करते। पहली सिफत, कामयाब होने की पहली सिफत अल्लाह रब्बुल इज्जत बयान फरमा रहे हैं कि जो अपनी नमाजें खुशु के साथ अदा करते हैं। खुशु क्या है? दिल के इन्हिमाक के साथ, दिल को हाजिर करके। ऐसा ना हो हम नमाज पढ़ने आए हैं, हमारा दिल दूसरी तरफ हो, घर में लगा हो, बाजारों में लगा हो, क्लबों में लगा हो, या मार्केट में लगा हो, तिजारत में लगा हो, और यहां पर हम अल्लाह की इबादत भी कर रहे हो। ऐसा नहीं, इबादत किस अंदाज में होनी चाहिए कि गोया कि हम अल्लाह को देख रहे हैं। और ये तसव्वुर ना हो तो ये ख्याल जरूर हो, ये तसव्वुर जरूर हो कि अल्लाह हमें देख रहा है। दिल को हाजिर करके, दिल के इन्हिमाक के साथ, जो नमाज की रूह है खुशु और खुजू, खुजू यानी आजा और जवाहे के यकसुई के साथ। ऐसा ना हो हम नमाज में खड़े हो और हमारे हाथ इधर उधर मुतवज्जे हो रहे हो, हमारी जुबान हरकत कर रही हो, हम बोल रहे हो, बातें भी कर रहे हो, और हाथों से कभी सर खुजला रहे हो, कभी कपड़ा दुरुस्त कर रहे हो, कभी बाल खुजला रहे हो। ऐसा नहीं, बिल्कुल यकसुई के साथ, जो नमाज की रूह है खुशु और खुशु। हदीस देखिए, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मस्जिद के कोने में बैठे हुए थे। एक आदमी आता है और जल्दी जल्दी नमाज पढ़ने लगता है, होता है, हमारे साथ भी होता है, कभी हम किसी काम में होते हैं, किसी जरूरत में होते हैं, आए जल्दी जल्दी, ना सही से हमने रुकू किया, ना कयाम किया, ना सही से सजदा किया, ना जलसे इस्तराहत का पता, कुछ नहीं, बिल्कुल उसी अंदाज में आए कि जिस तरह कौवा जमीन पर अपना चोंच मारता है उसी अंदाज में। और जल्दी जल्दी नमाज पढ़ी, सलाम फेरा, फिर चले गए काम के लिए। नमाज पढ़ी उस आदमी ने और आया, सलाम किया, आपने फरमाया वालेकुम सलाम, तुम पर भी अल्लाह की सलामती हो। आसा सल्लम ने सलाम का जवाब दिया और जुमला क्या इरशाद फरमाया आपने, इरजे फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, जाओ दोबारा नमाज पढ़ो, इसलिए कि तुमने अभी नमाज नहीं पढ़ी है। रावी हदीस हजरत अबू हुरैरा सल्लल्लाहु ताला अन्हु का बयान, वो आदमी नमाज पढ़ करके आ रहा था, उसने सलाम किया अल्लाह के रसूल सल्लम से, और आप सल्लम का जुमला क्या है, इरजे फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, जाओ लौट जाओ नमाज पढ़ो, इसलिए कि तुमने अभी नमाज नहीं पढ़ी है। वो गया दोबारा नमाज पढ़ करके फिर आता, अल्लाह के रसूल सल्लम को सलाम करता, अल्लाह के रसूल सल्लम का फिर वही जवाब, वालेकुम सलाम, तीसरी दफा वो नमाज पढ़ करके फिर आता है, और फिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वही जुमला, वही अल्फाज कि वालेकुम सलाम इरजे फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली। वो आदमी हैरान है
कि एक दफा हो गया, दो दफा हो गया, तीन दफा हो गया। कहता अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की कसम जिसने आपको हक के साथ भेजा है, मैं इससे अच्छी और नमाज नहीं पढ़ सकता। आप मुझे बतलाइए मैं नमाज पढ़ू तो कैसे पढ़ू? हाँ, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम नमाज के लिए खड़े हो तो अल्लाह अकबर को, फिर जो तुम्हें कुरान से जो सूरतें याद हो उसको पढ़ो, फिर रुकू करो, हत्ता तत्मईन्ना राकियन, इत्मीनान के साथ, फिर रुकू से सर उठाओ तो दोबारा सजदे में ना जाओ, हत्ता तत्मईन्ना काइमन, यहां तक कि एकदम सही से खड़े ना हो जाओ, रीढ़ की हड्डी तुम्हारी खड़ी जब तक ना हो जाए। इस हदीस में तो यही है, बाकी और जो हदीस में है कि कौन सी दुआ पढ़नी है, क्या पढ़नी है, आप सबको मालूम है, लेकिन जो इस हदीस में है, फिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर सजदा करो, हत्ता तत्मईन्न साजिदन, इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ, फिर सजदे से सर उठाओ, फिर दोबारा सजदे में ना जाओ, यहां तक कि तुम अच्छी तरह से बैठ भी ना जाओ, फिर सजदा करो, फिर सजदे से सर उठाओ तो दोबारा ना खड़े हो, यहां तक कि इत्मीनान से तुम बैठ जाओ, फिर इसी तरह दूसरी रकात में करो। यह है तुम्हारी नमाज, यानी नमाज खुशू और खुजू के साथ अदा करो। सूरह मामून उठाई, अल्लाह फरमाते फवाइलुल लिल मुसल्लीन, वैल है नमाजियों के लिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह हम नमाज भी पढ़ रहे हैं, हमारे लिए वैल भी है, जहन्नम का सबसे निचला तबका, क्यों वैल है? अल्लाह फरमाते फवाइलुल लिल मुसल्लीन, आयत पर गौर करिएगा, किन के लिए अल्लाह वैल कह रहे हैं? जहन्नम का जो सबसे निचला तबका है किसके लिए? मुसल्लीन, जो नमाज पढ़ते हैं। लेकिन उनकी नमाज क्या है, कैसी नमाज है? अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, जो गफलत करते हैं नमाजों में। मुफस्सिरीन किराम ने लिखा है कि इस आयत से एक मुराद यह भी है कि जो नमाज खुशू और खुजू के साथ नहीं पढ़ते उनके लिए वैल है। तो अगर हम कामयाब होना चाहते हैं तो हम अपनी नमाजों को खुशू और खुजू के साथ अदा करें। जो नमाज की रूह है, अल्लज़ीन हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, ये पहली सिफत कामयाब होने वालों की। दूसरी सिफत क्या है? वल्लज़ीन हुम अनिल लघ्वी मुरिज़ून, अगर हम कामयाब होना चाहते हैं तो हमें लघ्विया से एराज करना होगा। लघु क्या है? बेहूदा बातें, बेहूदा कलाम, बेहूदा अफाल, जिससे न दुनियावी फायदा हो न दीनवी फायदा हो। और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस है, मिन हुस्न इस्लामिल मरई आह, आदमी का इस्लाम, अगर हम चाहते हमारा इस्लाम उम्दा हो, बेहतर हो, अच्छा हो, तो सल्लम फरमाते हैं, मिन हुस्न इस्लामिल मरई तर्कुहु मा ला यानी, आदमी का इस्लाम उसी वक्त अच्छा हो सकता है कि जब वो ला यानी बेहूदा बातों को छोड़ दे, लघवियात के पीछे ना पड़े, बेहूदा मजलिसों में ना बैठे, झूठी मजलिसों में ना बैठे, लघवियात से उसका कोई मतलब ना हो। सूरह फुरकान उठाइए, जो रहमान के बंदे होते, क्या नक्शा खींचा अल्लाह ने, कैसे होते हैं रहमान के बंदे, अल्लाह वाले कैसे होते हैं? वल्लज़ीना ला यशहदूना ज़ूर, रहमान के बंदे झूठी मजलिसों में शिरकत नहीं करते। हमारे नौजवानों को देखिए किस तरह बिगड़ चुका हमारा नौजवान। ये अल्लाह ने जो जिंदगी दी है, हम इस जिंदगी को कहां गुजारते हैं, जरा हम अपने आप पर गौर करें, कलबों में, बेहुदा मजलिसों में, कैरम बोर्ड में। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? उकबा बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब पूछा था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहन्नम से निजात कैसे मिलेगी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां तीन बातें बताई थी, उनमें से एक बात यह भी थी कि जब तुम्हारे पास कोई काम ना हो, कोई काम नहीं है, फरागत के लम्हात हैं, तो हम कहां गुजारे,
घर में गुजारे, बेहुदा मजलिसों में नहीं, बेहुदा कामों में नहीं, बेहुदा बैठकों में नहीं। कहां गुजारना है अगर हम जहन्नम से निजात पाना चाहते? घर में कोई काम नहीं है, खाली बैठे हुए हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कहां गुजारो उन खाली लम्हात को? घर में गुजारो। तो अल्लाह फरमाते हैं सूरह फुरकान के अंदर, والذين لا يشهدون الزور, रहमान के बंदे ऐसे होते कि झूठी मजलिसों में वो शिरकत नहीं करते। وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا, और कभी बसा औकात झूठी मजलिसों के पास से, बेहुदा मजलिसों के पास से इनका गुजर भी हो जाता तो शराफत के साथ गुजर जाते। देखें इस आयत को, अपनी जिंदगी में उतारें, कहां है हमारा? दूर रहना तो दूर की बात है, हम उन मजलिसों में शरीक भी हो जाते हैं। बड़ा मजा आ रहा है इस गेम में, बड़ा मजा आ रहा है इस खेल में, चलो खेल लेते हैं। हमारा नौजवान वहां पर जिंदगी गुजार रहा है। अल्लाह क्या फरमा रहे हैं, रहमान के बंदे कैसे होते हैं कि बसा औकात उनका गुजर भी हो जाए ऐसी जगहों से, मर्रू किरामा, निहायत ही शराफत के साथ गुजर जाते हैं। शिरकत तो दूर की बात है, शराफत के साथ गुजर जाते हैं। तो अगर हम कामयाब होना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि अल्लाह की नजरों में, यकीनन हम चाहते हैं कि हम अल्लाह की नजरों में कामयाब हो, तो हमें लघवियात से एराज हो करना पड़ेगा। झूठी मजलिसों में, झूठी महफिलों में हमें नहीं बैठना है, बेहुदा महफिलों में हमें शिरकत नहीं करनी है। अल्लाह फरमाते वल्लज़ीनहुम अनिल लघवी मुरिज़ून, ये दूसरी सिफत बयान फरमाई अल्लाह ने कामयाब होने वालों की। तीसरी सिफत, वल्लज़ीनहुम लिज़्ज़कात फ़ाइलून, ज़कात जो अदा करते हैं वो कामयाब होंगे। ऐसा नहीं है माल और दौलत का अंबार पड़ा हुआ है, रेल पैल है, लेकिन भूखे मर रहे हैं लोग, मुहताज भूखे मर रहे हैं, मिस्कीन भूखे मर रहे हैं, और हम मस्ती के साथ जिंदगी बसर कर रहे हैं। हमारे पास तो माल और दौलत का अंबार लगा हुआ है। अल्लाह फरमाते कामयाब होना चाहते हो तो जो अल्लाह ने माल तुम्हें दिया है उस माल में से तुम ज़कात भी निकालो। वल्लज़ीनहुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, और अगर ज़कात नहीं निकालते हैं तो सूरह तौबा उठा करके देख लीजिए किस कदर वईद सुनाई है अल्लाह ने, धमकी दी है कि वल्लज़ीना ला यक्रिसूना ज़हबा वल फिस्सता वला युन्फिकूनहा फी सबीलिल्लाहि फबशिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। जो सोना और चांदी को जमा करके रखते हैं ना ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर वो ज़कात नहीं निकालते हैं, मुहताजों का ख्याल नहीं रखते हैं, मिस्कीनों का ख्याल नहीं रखते हैं, बेवाओं का ख्याल नहीं रखते हैं, फबशिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, तो उन्हें दर्दनाक अज़ाब की आप बिशारत सुना दीजिए, खुशखबरी सुना दीजिए। अल्लाह वो दर्दनाक अज़ाब कैसा होगा? अल्लाह ने आगे फरमाया, यौम युहमा अलैहा फी नार जहन्नम फतुकवा बिहा जिबाहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनस्तुम लिअन्फुसिकुम फज़ूकु मा कुंतुम तकनिसून। इतना दर्दनाक अज़ाब कि तुम्हारा ही माल होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुस्लिम शरीफ की हदीस उठाइए, माल तुम्हारा ही होगा और उसी माल को अल्लाह रब्बुल इज्जत तपाएगा जहन्नम की आग में, तख्तियों की शक्ल दिखाएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फिर उन्हीं आग की तख्तियों से इंसान के, आदमी के दोनों पहलुओं को दागा जाएगा, दोनों पहलुओं को। क्यों? एराज कर लेता था, इधर से साइड आया इधर घुमा लिया पहलू, इधर से आया इधर घुमा लिया, दोनों पहलुओं को दागा जाएगा, पेशानी को दागा जाएगा। अल्लाह पेशानी को दागी जाएगी इसलिए कि सबसे पहले सुपड़न कहां आती है? हमारी नहीं, पेशानी ऊपर जा, दूर हट जा, आया है बड़ा मांगने के लिए, मुतालबा करने के लिए, नहीं है मेरे पास, फौरन बल आ जाते हैं हमारी इन्हीं पेशानियों पर, इसीलिए पेशानियां दागी जाएंगी, कमर को दागा जाएगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुस्लिम शरीफ की हदीस को उठाइए मेरे भाइयों, एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। मुसीबत आ जाए इंसान पर, कोई परेशानी आ जाए, तो ऐसा लगता है एक दिन
कई सालों के बराबर हो गया। दुख की घड़ी काटने से भी नहीं कटती है। हम और आप सभी जानते हैं ये बात। और एक दिन 50,000 साल का होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते जब तक फैसला नहीं हो जाएगा कि आदमी जहन्नम में जाएगा या जन्नत में जाएगा, जब तक अर्श वाला फैसला नहीं सुना देगा तब तक उसको इसी तरह अजाब दिया जाता रहेगा। अल्लाह कहेगा फजूक चखो, यही वो तुम्हारा माल है जिसको तुम जमा करके रखते थे। तो मेरे भाइयों, हम ज़कात अदा करें अगर हम कामयाब होना चाहते। वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़कति फ़ाइलून। चौथी सिफत, वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून। अगर हम कामयाब होना चाहते हैं, हम अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। आ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं उस शख्स को जन्नत की जमानत देता हूं जो मुझे दो चीजों की जमानत दे दे। एक क्या है? जुबान है, और एक आदमी की शर्मगाह। शर्मगाह का गलत इस्तेमाल आदमी नहीं करेगा, न जायज जगहों पर इस्तेमाल नहीं करेगा। वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून। हाँ, हम इंसान हैं, हम मर्द हैं, जिनसी ख्वाहिश की तकमील के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जायज तरीका भी रखा है। वो जायज तरीका क्या है? अल्लाह ने आगे फरमाया इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम। हम अपनी ख्वाहिश की तकमील करें, लेकिन अल्लाह ने जायज तरीका भी बना दिया है। वो जायज तरीका क्या है? हम अपनी बीवियों से मुबाशरत करें या लौंडियों से। लेकिन अब लौंडियों का तसव्वुर नहीं, तो इस्तलाही लौंडियां नहीं पाई जाती। हाँ, जब हालात फिर आएंगे, लौंडियों का वजूद होगा, फिर वो हमारे लिए जायज हो जाएंगे, लेकिन इस्तलाही लौंडियां अब नहीं पाई जाती हैं। अब सिर्फ एक ही तरीका है, जिनसी ख्वाहिश की तकमील हम अपनी बीवियों से कर सकते हैं। अल्लाह फरमाते हैं फमन तगावरा ज़ालिका फौलाइका हुमुल आदून। बीवी के अलावा कहीं और गया, इसके अलावा उसने और कोई रास्ता इख्तियार किया, यानी जिना का, अल्लाह फरमाते वो हद से तजावुज करने वाला है, वो हद से आगे बढ़ने वाला है। पांचवी सिफत क्या है कामयाब होने वालों की? वल्लज़ीना हुम लियामानातिहिम वअहदिहिम राऊन। जो लोग अपनी अमानतों की और जो लोग वादों की हिफाजत करने वाले, वही कामयाब होंगे। जो अमानतों की हिफाजत करने वाले हैं और वादों की हिफाजत करने वाले। अमानत का मफहूम बड़ा ही वसी है। अल्लाह ने ये जिंदगी हमें दी है, ये भी अल्लाह की अमानत है। हम इस जिंदगी को कहां गुजारे? अल्लाह की इबादत में गुजारे। हम और आप सभी जानते हैं इस आयत करीमा को, वमा खलकतुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। ये भी अल्लाह की दी हुई अमानत है। और अमानत क्या है? किसी ने कोई माल दिया रखने के लिए, ये भी अमानत है। या कहीं पर हम कोई जिम्मेदारी निभा रहे, ये भी अमानत है। हमें उसमें खयानत नहीं करनी है। कोई ठेकेदार है, कोई ऑफिस में रहता है, कोई कहीं रहता है, कोई उस्ताद है, कोई आलिम है, कोई हाफिज है, कोई इमाम मस्जिद है, कोई मोजीन मस्जिद है, ये सब अमानत है। अगर हम इसमें खयानत करेंगे तो सूरह आले इमरान की इस आयत को याद करिए। अल्लाह फरमाते वमन यगलुल याती बिमा गल्ल यौमल क़यामती। जो इंसान खयानत करेगा, जो इंसान अमानत में चोरी करेगा, कयामत के दिन अपनी खयानत करदा चीज के साथ वो अल्लाह के पास आएगा। अगर हमने चोरी की है, किसी का माल चुराया है, यतीमों का माल खाया है, या किसी घर में हमने डाका जनी की है, दुनिया की नजरों से हम बच जाएंगे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि हम उस चोरी की हुई चीज को अपने ऊपर लाद करके लाएंगे कयामत के दिन। और लोग देखेंगे, अच्छा बड़े आलिम बनते थे, बड़े मौलाना बनते थे, बड़े इमाम थे, बड़े मुअज्जिन थे, दाढ़ी थी, तकवा शियार, सारी चीजें तुम्हारे ऊपर नुमाया थी दुनिया में, ये कारनामे करके आए हो, कैसे लाएगा? ये भी एक सवाल है, कैसे लाएगा?
अगर हमने किसी का माल चुरा लिया है या किसी ने हमको बिल्डिंग बनाने के लिए दिया है, इमारत बनाने के लिए दिया, हमने उसमें खयानत कर ली है, तो ये सारी चीजें हम कैसे लाएंगे। आइए मुस्लिम शरीफ की उस हदीस को सुनते हैं। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं, फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खुतबा दिया और जो इंसान चोरी करता है उसकी सजा क्या है, क्या वईद है, जो अमानत में खयानत करता है क्या वईद है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बयान फरमाया और फिर फरमाया ला उल्फियन अहदकुम यौम अल-क़ियामति अला रक़बतिही शातुन लहा सुगाउन। खबरदार हो जाओ क़यामत के दिन मैं किसी को ऐसा ना पाऊं कि अला रक़बतिही वो अपनी गर्दन पर बकरी को लाद करके ला रहा हो। आज हम बहुत सोचते हैं मौलाना साहब गली में बकरी मिल गई लाओ काट करके खा ले, हलाल है, कोई मसला नहीं है, खा ले लाओ, बकरी चुरा ली हमने पड़ोस की या कहीं से भी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कल क़यामत के दिन ऐसा इंसान अपनी गर्दन पर बकरी लाद करके लाएगा। मुस्लिम शरीफ की हदीस किताबुल इमारा में यह हदीस मौजूद है और वो बकरी आसा सल्लम फरमाते हैं लहा सुगाउन चिल्ला रही होगी, मिमिया रही होगी, जो बकरियां आवाज निकालती हैं उसी तरह आवाज निकाल रही होगी। लोग देखेंगे अरे इसको क्या हो गया है, ये तो बड़ा मुत्तकी था, ये बकरी लाद करके क्यों ला रहा है। और मैं तुम में से किसी को ना पाऊं आला रकबतिही फरसुन कि वो अपनी गर्दन पर घोड़ा लाद करके ला रहा है, लहू हम हमतुन वो घोड़ा ही निना रहा है, वो घोड़ा आवाजें निकाल रहा है, और वो मेरे पास आए फयाकूल और वो कहे या रसूल अल्लाह ही अगस्नी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी मदद फरमा दीजिए, मेरी मदद कर दीजिए, आज मैं परेशान हूं, घोड़े का वजन बर्दाश्त नहीं हो रहा, बकरी का वजन बर्दाश्त नहीं हो रहा है, लोग मुझे देख रहे हैं, दुनिया में तो मुत्तकी समझा करते थे, दुनिया में तो आलिम जानते थे, इमाम मस्जिद से जाना करा करते थे, लेकिन लोगों की नजरें मुझे खाई जा रही है। अल्लाह के रसूल अगिसनी या रसूल अल्लाह। उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब क्या होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में बाखबर कर दिया, फाकुलू मैं कहूंगा ला अमलिकु लका शैया, आज के दिन मैं तुम्हारे लिए कोई मालिक नहीं हूं। क्यों नहीं मालिक हो, कद अबलगतु का मैंने दुनिया में बता दिया था जो इंसान चोरी करेगा उस चोरी की हुई चीज के साथ वो क्यामत के दिन अल्लाह के पास आएगा, लोगों की नजरें उसे देखेंगी। फिर आगे आसा सल्लम ने इस हदीस को बयान फरमाया कि मैं किसी इंसान को ना पाऊं अला रकबती ही बईर उन वो ऊंट लाद करके आ रहा है और लहू रुगा उन वो ऊंट बिलबिला रहा है उसकी गर्दन पर और वो भी आके कह अल्लाह के रसूल मेरी मदद कर दीजिए, मैं कहूंगा नहीं मैं आज के दिन तेरी मदद नहीं कर सकता, ला अमलिकु लका शैया मैं आज तेरी मदद नहीं कर सकता हूं। क्यों नहीं कर सकता, कद अबलगतु का दुनिया में मैंने तुझे बता दिया था। फिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं किसी इंसान को ऐसा ना पाऊं कि कल क़यामत के दिन वो अपनी गर्दन पर रुपयों को पैसों को सोना और चांदी को ला रहा हो लाद करके। चोरी कर लेते ना जेब मार ली हमने कोई परवाह नहीं है, जेब मार ली अब तो एक टाइम का गुजारा हो गया और किसी की नजरों ने मुझे नहीं देखा है, हम तो इसी में मस्त रहते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते क्याला रकबती ही सामितुन मैं किसी ऐसे इंसान को कल क़यामत के दिन ना पाऊं कि अपनी गर्दन पर वो पैसों का बोझ लाद करके, रुपयों का बोझ लाद करके, सोना और चांदी का बोझ ला करके मेरे पास आए और कहे या रसूल अल्लाह अगिसनी अल्लाह के रसूल मेरा बुरा हाल है मेरी मदद कर दीजिए। मैं कहूंगा फाकुलु ला अमलिकु लका शैया कद अबलगतुका। आज हम सोचते कि ठेकेदारी मिल गई चलो चाहे जो खयानत कर ले कोई हर्ज नहीं है बच जाएंगे, लेकिन नहीं मेरे भाइयों वहां नहीं बचेंगे, कहां कल क़यामत के दिन जो हमने खयानत की है ना, जो हमने माल चुराया है उसी माल के साथ हम हाजिर होंगे, उसी खयानत की हुई चीज के साथ हम अल्लाह के पास आएंगे
और लोग देखेंगे उस वक्त जो रुसवाई होगी मैं बयान नहीं कर सकता मेरे भाई। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे फरमाया, मैं किसी ऐसे इंसान को ना देखूं कि अपनी गर्दन पर वो कपड़ों का बोझ लाद करके ला रहा हो, वो कपड़े हिल रहे हो। मेरे भाइयों माफ करिएगा, अगर जो एक पेशा है जो कपड़े सिलते, अक्सर कपड़े बचा लिया करते हैं, कतरन बचा लिया करते हैं, गोया कि हमने खयानत की है, जो उस कपड़े का मालिक है हमने उसकी इजाजत नहीं ली है, जो कपड़ा बचा हक तो यह था कि उस कपड़े को हम उसको वापस कर दें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ऐसा इंसान कपड़ों का बोझ ला करके अपने कंधों पर लाएगा और वो भी कहेगा अल्लाह के रसूल मेरी मदद कर दीजिए, मैं यही कहूंगा मैं तेरी मदद नहीं कर सकता। बुखारी शरीफ की हदीस को याद करिए, हम बड़ा आसान समझते हैं, चलो एक कतरा ही हमने बचा लिया, कतरा बचा लिया, कोई हर्ज नहीं है। नहीं मेरे भाइयों, बहुत बड़ा जुर्म है, जुर्म असीम है। बुखारी शरीफ की हदीस को याद करिए, मुस्लिम शरीफ में यह हदीस मौजूद है। आस अल्लाह वसल्लम का एक खादिम था जिसको रिफा बिन जैद ने आस वसल्लम को दिया था। गज़वे खैबर में हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि हमें फतेह अल्लाह ने नसीब फरमा दी, लेकिन माल गनीमत के तौर पर ना हमें सोना मिला ना चांदी मिला, कुछ नहीं मिला। क्या मिला? अनाज मिले, कपड़े मिले, गल्ले मिले, बस यही सब मिला और कुछ नहीं मिला। हम खुशी मनाने के लिए एक वादी में आए, दुश्मनों की तरफ से एक तीर आता है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस खादिम को लगता है और वो मर जाता है। हमारा चुनना क्या था? हनी अल्लाह शहादतु या रसूल अल्लाह, हमने मुबारकबादी दी अल्लाह के रसूल, आपका खादिम शहीद हो गया, जन्नत मुबारक हो। आपका जुमला क्या था? कल्ला वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदी, हरगिज नहीं, कसम है उस जात की जिसके हाथ में मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, इन्न शिमलता लतल तहिबु अलैहि नारा, इसने जो माले गनीमत मिला था ना एक चादर चुरा ली थी और वो चादर उसके ऊपर जहन्नम की आग भड़का रही है, जहन्नम की आग उसके ऊपर भड़का रही है वो चादर। चादर चुराने की वजह से कहां जा रहा है? अल्लाह के रसूल सल्लम फरमा रहे, जबकि तीर लगा दुश्मनों की तरफ से, सहाबे के नाम खुशखबरी सुना रहे हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लम शहादत की मुबारक बादी दे रहे, जन्नत मुबारक हो। आपने फरमाया नहीं, इन शिमला लतल तही बोले ही नारा, इसने खैबर से जो माले गनीमत मिला था एक चादर चुरा ली थी, वो चादर उसके ऊपर जहन्नम की आग का काम कर रही, वो भड़का रही है उसके ऊपर। तो मेरे भाइयों, अगर हम कामयाब होना चाहते हैं हमें खयानत नहीं करना, किसी भी पेशे से वाबस्ता होना, चोरी करनी। और आगे अल्लाह ने फरमाया, वल्लज़ीनहुम अला सलातिहिम युहाफिज़ून, जो अपनी नमाजों की हिफाजत कर। अल्लाह कामयाब होने वालों की शुरुआत अल्लाह ने नमाज से की और खत्म भी अल्लाह ने किससे किया? कि जो नमाजों की हिफाजत करते हैं। वक्त ज्यादा हो गया, एक जुमला में अर्ज करूं कि अहद रिसालत का मुताला करिए, अहद सहाबा को देखिए। अगर काफिरों में, मुसलमानों में कोई चीज तमीज करती थी तो वो क्या थी? नमाज। नमाजी से फर्क होता था ये मुसलमान है या काफिर, बस एक जुमला काफी है। अगर हम ये सातों औसाफ अदा कर ले जाए, आगे इंशाल्लाह वक्त मिला तो मैं फिर बयान करूंगा कि नमाज की हिफाजत कैसे हम करें, लेकिन एक जुमला मैंने बयान कर दिया मेरे भाई, यही हमारे लिए काफी। अल्लाह ने फरमाया, अगर तुम कामयाब हो जाओगे हम तुम्हें जन्नत का वारिस बना देंगे। अल्लज़ीना यरिसूना, हम उन्हें जन्नत का वारिस बना देंगे। और कौन सी जन्नत? जन्नतों में जो सबसे आला है, अरफा है, जन्नतुल फिरदौस, जहां से नहरें जारी होती हैं। अल्लाह हम सबको जन्नतुल फिरदौस का मकी बना दे। आमीन व मा अलैना इल्लल हुदा। عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أولى وأسوأ أتم وأعم وأكبر.